हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे एसपीएल डिजिटल क्लब में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीएस स्पेशल, जो सामान्य विज्ञान का सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण जीएस का क्वेश्चन लाते हैं और उससे संबंधित जो होते हैं व्याख्या साथ में करते हैं। तो ज़रूर देखें वीडियो शुरू से अंत तक। और ये आज 15वां डे का क्लास है, जिसमें क्वेश्चन 701 नंबर से 750 नंबर तक है। और प्रत्येक दिन जो 15 करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है सीरीज, तो उसे भी जरूर देखें। जो आगामी रेलवे ALP ग्रुप डी टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, बिहार SSC और जो RPF होंगे, आने वाले सभी कंपटीशन परीक्षाओं में क्या है महत्वपूर्ण होंगे। खास करके जो साइंस का क्वेश्चन होता है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जानते हैं ALP में 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, जो और मैथ रीजनिंग है, और GK का क्वेश्चन क्या है 10 क्वेश्चन में GK और करंट अफेयर मिला के ही पूछा जाएगा। तो इसलिए साइंस की तैयारी अत्यधिक करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 701 नंबर सीरीज का। समय मापने वाला विज्ञान कौन है? तो समय मापने वाला विज्ञान कहलाता है होरोलॉजी। होरोलॉजी। नेक्स्ट है 702 नंबर क्वेश्चन, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं सिर्फ पुरुषों में ही होते हैं ये रोग। इसमें क्या होते हैं गुणसूत्रों की संख्या, जानते हैं मनुष्य में कितने होते हैं 46 होते हैं, इसमें बढ़ के क्या होता है 47 हो जाता है। नेक्स्ट है 703 नंबर क्वेश्चन, हीमोफीलिया जिसको हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया रोग किससे प्रारंभ हुई? तो हीमोफीलिया जानते हैं ये अनुवांशिक रोग है और ब्रिटिश रोग है, तो ये होते हैं महिलाओं में। ये होते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से। हेल्डेन के अनुसार, हेल्डेन के अनुसार क्या था इसकी शुरुआत, जो हीमोफीलिया नामक रोग है इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन की रानी, जो महारानी थी विक्टोरिया से। नेक्स्ट है 704 नंबर क्वेश्चन, एजिडोथाइमिडीन AZT का, यानी AZT औषधि का प्रयोग किस में होता है? तो AZT औषधि का प्रयोग होता है एड्स में। नेक्स्ट है 705 नंबर क्वेश्चन, सोने की बीमारी किस परजीवी द्वारा होती है? तो क्या आते हैं परजीवी से होने वाले, जीवाणु से, वायरस से होने वाले रोगों के लिए स्पेशल हमारा ट्रिक का वीडियो है, उसे आप जरूर देख ले, जो कि आपके बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, देख ले। और क्या होंगे आप इसके द्वारा आप किसी भी जो है वायरस से संबंधित बीमारी को आसानी से याद कर सकते हैं और कन्फ्यूजन कभी नहीं होंगे। तो सोने की बीमारी होती है किस परजीवी से? तो ये था सीसी मक्खी से, सीसी मक्खी। नेक्स्ट है 706 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं में प्रायः किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भवती महिलाओं में प्रायः क्या होते हैं आयरन एवं कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है 707 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन डी और के का संश्लेषण होता है, अन्य सभी विटामिन क्या होते हैं बाह्य स्रोत से ग्रहण करते हैं। तो विटामिन डी क्या होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के होते क्लस्टर द्वारा इसका निर्माण होता है विटामिन डी का, और विटामिन के का निर्माण होता है जीवाणुओं द्वारा कोलन में होता है। नेक्स्ट है 708 नंबर क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम है साइनोकोबालामिन। याद रखेंगे कोबाल्ट मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना, कवाल होना चाहिए कोबाल्ट। नेक्स्ट है 709 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो मनुष्य के सबसे श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है फेफड़ा, जिसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं, और इंग्लिश इसका होता है लंग्स, LUNGS लंग्स। नेक्स्ट है 710 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग में थायरॉइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? तो घेंघा रोग में क्या होते हैं थायरॉइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 711 नंबर क्वेश्चन, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो होते हैं जब शिशु अवस्था में बच्चे, जब बच्चे बचपन की अवस्था में होता है 33, और विकसित होने पर यानी वयस्कों में तब हो जाके क्या होते हैं घट के हो जाती है 26। जिस तरह से मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है भ्रूण शिशु में 300 और जाके वयस्क में होकर 206 बच जाती है, उसी तरह तो रीढ़ की जो कुल हड्डी होती है 33 और विकसित होने पर कितना हो जाता है 26। नेक्स्ट है 712 नंबर क्वेश्चन, त्वचा में पसीने का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो उत्सर्जन
लोकतंत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो हमारे जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे देखें और क्या करें, आप जो सज्जन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो ये क्या है, त्वचा में पसीने का श्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? ये तो है स्वेद ग्रंथि। त्वचा में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक स्वेद ग्रंथि होता है, एक तेलीय ग्रंथि होता है। तो स्वेद ग्रंथि से होता है पसीना का श्रावण और तेलीय ग्रंथि से होता है सीबम का श्रावण। नेक्स्ट है 713 नंबर क्वेश्चन, पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो देखते हैं, शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा यानी फुफ्फुस से शिरा में क्या होते हैं, फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं इसको, इसमें उल्टा होता है यानी ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रक्त बहता है, और सभी शिराओं में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुस शिरा जिसको हम कहते हैं उसमें क्या होते हैं, शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट है 714 नंबर क्वेश्चन, डेंगू ज्वर में किसकी कमी होने लगती है? तो डेंगू ज्वर में क्या होता है, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। नेक्स्ट है 715 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो मानव रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु जिसको हम रक्त कणिका भी कहते हैं, और रक्त कणिका के तीन भाग होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। स्पेशल हमारे वीडियो में उपलब्ध है जो क्या है, मानव रक्त से संबंधित, उसे जरूर देखें। नेक्स्ट है छिपकली, सांप, घरियार, कछुआ, नेवला आदि रहने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो ये होते हैं कॉर्डेटा संघ के सरीसृप वर्ग, रहने वाले जितने भी जंतु होते हैं सरीसृप वर्ग, और ये कॉर्डेटा संघ के सरीसृप वर्ग कहलाते हैं, कॉर्डेटा संघ के सरीसृप वर्ग जिसको हम कहते हैं रेप्टेरिया। तो जो होते हैं डायनासोर, ये भी इसी युग में आते हैं, रेप्टेरिया युग कहा जाता है डायनासोर के युग को, रेप्टेरिया युग जिसको जुरासिक युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है 717 नंबर क्वेश्चन, लौंग पुष्प की किस भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग क्या होते हैं, एक मसाला है जो कि पुष्प के कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 718 नंबर क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो हुईगो डी ब्रिज। नेक्स्ट है 719 नंबर क्वेश्चन, फिलोसफिक जूलॉजिक के लेखक कौन है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक के लेखक है लेमार्क। नेक्स्ट है 720 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट है 721 नंबर क्वेश्चन, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब बिल्ली क्या होता है, घर में रहते हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रिक के साथ आप क्या होंगे, सभी जो जीव हैं उसके वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं, और जिससे आप भूलेंगे नहीं और क्या होंगे, आसानी से आपको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 722 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक समस्थानिक किसके और कितने होते हैं? तो सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं पोलोनियम धातु के, 27 समस्थानिक होते हैं। तो स्पेशल हमारा समस्थानिक पर वीडियो है, उसे देख लें। नेक्स्ट है 723 नंबर क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण क्या कह लेते हैं? तो यहाँ पूछ रहा है उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, और सिर्फ लवण रहेगा तो साबुन, यहाँ पर पोटेशियम लवण है तो साबुन का प्रकार आपको बताना है। तो ये कहलाता है मुलायम साबुन, जिसका प्रयोग हम नहाने यानी स्नान करने में करते हैं। नेक्स्ट है 724 नंबर क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो सोडियम लवण कहलाता है कठोर साबुन, जिसका प्रयोग कपड़ा बर्तन और साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट है 725 नंबर क्वेश्चन, जल में सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोबन सोडा डालकर उबारने से किस प्रकार की कठोरता दूर किया जा सकता है? तो धोबन सोडा से दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है, अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार के। नेक्स्ट है, जब ग्रह सूर्य के निकट रहता है तो उसका वेग क्या होता है? जानते क्या होते हैं, ग्रह सूर्य को दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर घूमता चक्कर लगाता है, तो जब यह सूर्य के निकट आता है तो इसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र है, तो अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र था F बराबर mv² / r। m हो गया द्रव्यमान पिंड का, v हो गया वेग, और r हो गया जो वृत्ताकार चक्र पर चक्कर लगाते हैं उसकी त्रिज्या, तो यानी mv² / r। नेक्स्ट है 728 नंबर क्वेश्चन, मंदन का मात्रक क्या होता है? तो मंदन एक प्रकार का त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहता है, मंदन। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वही होगा मंदन का, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया 729 नंबर क्वेश्चन,
प्रिंसिपिया पुस्तक किससे संबंधित है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन ने लिखे थे, इसमें उन्होंने गति का वर्णन किया है। नेक्स्ट है 730 नंबर क्वेश्चन, किस संस्था ने प्राग सम्मेलन में था, किस संस्था ने प्राग सम्मेलन पूछा जा सकता है, किस सम्मेलन तो होगा प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में यम प्लूटो को क्या क्या ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। पहले जानते थे 9 ग्रह थे, अब कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, उसमें से क्या क्या यम को हटा दिया गया था, तो किस संस्था ने हटाया था? इसका आंसर होगा IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और यह किस किस सम्मेलन में हटाए थे? प्राग सम्मेलन। नेक्स्ट है 731 नंबर क्वेश्चन, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्यों? तो गरम सूप का जो होता है पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, किसी भी पदार्थ को गर्म यानी क्या हुए ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है? ये जीभ के सभी भागों पर अच्छी तरह फैलता है, जिसके इसका स्वाद क्या होगा? स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट है 732 नंबर क्वेश्चन, किस ध्वनि तरंग के पास अधिक ऊर्जा होती है? तो हम जानते हैं क्या होता है, जो फोटोन ई बराबर होता है क्या है? एच गुने भी हो गया आवृत्ति। तो हम जानते हैं क्या होगा है? परावर्तित तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए इसी के पास ऊर्जा भी सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट है 733 नंबर क्वेश्चन, रात में दूर तक ध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है? तो ये होता है ध्वनि का अपवर्तन। नेक्स्ट है 734 नंबर क्वेश्चन, उच्च ताप मापने में पायरोमीटर किसके नियम पर आधारित है? हम जानते हैं उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसके नियम पर आधारित है? तो ये होते हैं स्टीफन के नियम के आधार पर। नेक्स्ट है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज भी कहते हैं, में ठंडक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो होता है फ्रियोन CFC, जिसको हम क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 736 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम का आवर्तनांक कितना होता है? तो किसी भी माध्यम का आवर्तनांक 1 से अधिक होता है, और माध्यम का आवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। जल का शुद्ध जो वायु का आवर्तनांक होता है 1.0003, और जल का आवर्तनांक होता है 1.33, हीरा का 2.42 जो कि सबसे अधिक होती है हीरा, इसमें क्या होते हैं प्रकाश काल सबसे कम गति से गमन करती है। नेक्स्ट है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, म्यू बराबर sin I/sin R। कहते हैं मतलब क्या, किसी खास दो रंगों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। नेक्स्ट है 738 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी वस्तु का रंग पूछा जाए तो उसके द्वारा परावर्तित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, और प्रकाश का रंग पूछा जाए तो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 739 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का आवर्तनांक सबसे कम होता है? तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे क्या होगे अधिक होगा, उसका आवर्तनांक सबसे कम होगा और प्रकाश की चाल उसमें सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश किस रंग का आवर्तनांक सबसे कम होगा? तो यह होगा लाल, और उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट है 740 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव व्यास के कारण होता है? तो प्रकाश तरंगों का जो प्रकाशीय प्रभाव होता है केवल होता क्या, विद्युत क्षेत्र के कारण ही होता है, ये और अन्य कारण नहीं होता है। नेक्स्ट है 741 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है? खास करके हमारा जो है प्रकाश का चैप्टर अध्याय, उसे जरूर देख ले, वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे संबंधित बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, मानव नेत्र का भी स्पेशल वीडियो देख ले, जो क्या होते हैं सभी कंपटीशनों में लगभग प्रायः पूछे ही जाते हैं। तो किस प्रकार के व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है? यह होता है संपोषी व्यतिकरण। नेक्स्ट है लेकर रांसे सेल में एनोड तथा कैथोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो एनोड के रूप में होता है कार्बन की क्षार, और कैथोड के रूप में होता है जिंक की क्षार का प्रयोग। नेक्स्ट है 743 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संलयन, जिससे क्या होते हैं नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा नाभिकीय संलयन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य तारा में जो जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वह होता है नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नेक्स्ट है 744 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीप ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मंदाकिनी, जिसको हम गैलेक्सी भी कहते हैं।
नेक्स्ट है 745 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक है ग्राहम बेल। नेक्स्ट है 746 नंबर क्वेश्चन, कोनिया बे का मात्रक क्या होता है? तो कोनिया बे का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है 747 नंबर क्वेश्चन, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? तो गैसों के विसरण का नियम दिया था ग्राहम ने। इसका होता है R1/R2 बराबर रूट अंडर M1/M2 या R1/R2 बराबर रूट अंडर D1/D2। एम हो गया अनुभार और डी हो गया आपका घनत्व। नेक्स्ट है 748 नंबर क्वेश्चन, खाना पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है HCl, जो कि अमाशय में निकलता है, ज्येष्ठ रस में पाए जाने वाला अम्ल होता है HCl। आगे नेक्स्ट है 749 नंबर क्वेश्चन, एरोसोल जानते हैं? तो जब प्रक्षेपण माध्यम बेंजीत हो तो कोलाइड कहलाएगा, एरोसोल कहलाएगा बेंजोसोल। नेक्स्ट है 750 नंबर क्वेश्चन, और सीरीज आज जो 15 दिन का क्लास है 15वां दिन का अंतिम क्वेश्चन है, हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का डैश होता है? तो हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। इस तरह से जो है जी एस का सीरीज का 15वां दिन का क्लास समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल SPL डिजिटल क्लब नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। इसी तरह हम प्रत्येक दिन 50 जो GIS का सीरीज का वीडियो लाते रहेंगे, और जो करेंट अफेयर का भी वीडियो सीरीज लाते हैं उसे भी जरूर देखें। जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, खास करके जो साइंस के प्रश्न होते हैं आने वाले सभी परीक्षाओं में, खास करके रेलवे ALP में हम जानते हैं 20 साइंस के क्वेश्चन होंगे, जो 20 जो है मैथ के, 25 रीजनिंग के, तो रीजनिंग के लिए स्पेशल हम वीडियो लाने वाले हैं जल्दी ही, और वीडियो पहले से रीजनिंग और मैथ का भी उपलब्ध है, तो यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो और ख़ास करके जो हम मॉडल सेट अपलोडेड है प्रोफाइल में वो भी ज़रूर देखें, और मॉडल सेट को हम जब सॉल्व करते हैं तो ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताया गया है, जिसके द्वारा आप क्या कम ही समय में पूरा मॉडल सेट बना के आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जिसमें क्या होंगे 20 पूछा जा रहा है मैथ, 25 रीजनिंग, 20 साइंस, और मात्र 10 नंबर है जिसमें करेंट अफेयर और GK दोनों मिला के पूछा जाए। तो इसलिए क्या होगा, खास करके साइंस के जो महत्वपूर्ण वीडियो हमारा स्पेशल उपलब्ध है उसे भी देखें, और जो सीरीज लाते हैं उसे भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।